दोस्तों, कुछ टीवी सीरियल्स ऐसे होते हैं जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं लेकिन आज भी बहुत लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनमें से जो धारावाहिक शीर्ष पर है वो है सीआईडी। सोनी टीवी का मशहूर सीरियल सीआईडी पिछले 21 सालों से टीवी पर चल रहा है। इस धारावाहिक में टेलीविजन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला धारावाहिक का रिकॉर्ड है। आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सीआईडी के जो एक्टर्स हैं उनका रियल लाइफ पार्टनर्स का नाम क्या है। स्पेशली आज हम बात करेंगे इंस्पेक्टर फेड्रिक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंस्पेक्टर फेड्रिक्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि शायद ही आप लोग जानते होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इंस्पेक्टर फेड्रिक्स जो है उनका असली नाम है दिनेश फर्नांडिस, और दिनेश फर्नांडिस जो है वो मुंबई से आते हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था और खुशी से उनका लालन पालन भी वहीं पे हुआ था। उनका जन्म का जो साल था वो था 1966 और उनकी जो जन्म की डेट थी वो थी 2 नवंबर। जिस भूमिका के लिए उन्हें प्रसिद्धि मिली वो थी सब इंस्पेक्टर फेड्रिक्स की, जो मुख्य सीआईडी टीम की सहायता के लिए जिम्मेदार था। दिनेश का यानी कि फेड्रिक्स का कहना है कि उनकी टीम शूटिंग के दौरान बहुत प्यार और सहयोग करती है। दिनेश को लिखने का शौक है और उन्होंने सीआईडी के कुछ एपिसोड्स भी लिखे हैं। उन्हें पढ़ना भी पसंद है। वह बोरीवली पूर्व में अपने परिवार के साथ रहते हैं और अपने जीवन का आनंद वहीं पर ही लेते हैं। दोस्तों उन्होंने बॉलीवुड का जो एक मूवी है सरफरोश, वहाँ पर भी उन्होंने अपना अभिनय का जलवा दिखाया है। और अगर सीआईडी में उनकी भूमिका के बारे में बात करें तो वो सब इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आते हैं और काफ़ी हंसी मजाक भी करते हैं पंकज के साथ। उनकी नोकझोंक और पंकज के साथ उनकी जो कॉमेडी है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। अपनी भूमिका के बारे में पूछने पर वो बोलते हैं कि यह सिर्फ संयोग और भाग्य की बात है। उन्होंने शो के निर्देशक वीपी सिंह से मुलाकात की और उन्हें फेड्रिक्स की भूमिका पेश की गई और उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उनकी टीम में अन्य सदस्य जो है वो है दयानंद शेट्टी यानी कि इंस्पेक्टर दया, शिवाजी सट्टम यानी कि एसीपी प्रद्युमन, और आदित्य श्रीवास्तव यानी कि इंस्पेक्टर अभिजीत। वो उनके लिए बहुत मददगार रहे हैं और उन्होंने हमेशा उनके कठिन समय में उनका साथ दिया है। और कविता और लेखन में दिनेश की अन्य रुचियाँ, बहुत सारी रुचियाँ भी है। और मैं दोस्तों उनको उनके फ्यूचर की सारे जितने भी जहाँ पे वो अभिनय करें उनको शुभकामना देता हूँ। और दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इंस्पेक्टर फेड्रिक्स आपको कैसे लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।